अफशीन अफशीन। जी बीबी जी। ड्राइवर कहाँ है? वो तो साहब के साथ जा रहा है। और जमील? जमील की बीवी को ना बच्चा होने वाला है तो वो वहीं गया है। तो क्या उसने उसके बराबर बैठकर खुद बच्चा डिलीवर करवाना है? राशिद कहाँ है? अच्छा आप अगर कहती हैं तो मैं राशिद को बुला लेती हूँ। वैसे तो वो गया है 24 घंटे की ड्यूटी करके, लेकिन मैं कहूंगी तो आ जाएगा। देखो अफशीन, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम राशिद को अपनी उंगलियों पर सारा दिन कैसे नचाती हो, इसलिए बेहतरी इसी में है कि उसे फौरन कॉल करो और बुलवाओ। जी बीबी जी। अब जाओ। जी जी। Men may come and men may go, but I go on forever. कितनी खूबसूरत और सच्ची पोइट्री है नहीं? तब इंसान तो आते जाते रहते हैं, लेकिन वक्त की नदी मुसलसल बहती रहती है। कभी धीमी कभी तेज, रवा दवा। कितना अच्छा बोलते हो यार तुम। दिल चाहता है तुम बोलती जाओ, मैं सुनता जाऊं। इतने तुम्हारे लिए लिखा है, सुना है बोले तो बातों से फूल बरसता। फिर शुरू हो गई ना तुम्हारी रोमानी चाहिए। देखो रोमांस के बगैर जिंदगी में रंग कहाँ है, खुशहाली कहाँ है, ठीक ही सी है जिंदगी। खैर मुझे अपना हाथ दिखाओ। क्यों? कुछ देखना है मुझे। अच्छा तो पामिस्ट्री की जाएगी? मैं लकीरों की रोटों को बिलीव नहीं करती। यार कितनी अलग किस्म की लड़की हो तुम। लड़कियों को पता चले कि कोई पामिस्ट है तो फौरन आ जाए अपना हाथ दिखाने, फ्यूचर जानने की क्यूरियोसिटी जो होगी उन्हें। और एक तुम हो। ये सब बहाना है। उन लोगों से भी जानना होता है, मालूम करना होता है कि उनकी शादी अरेंज्ड होगी या पसंद की होगी, उनका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, जिंदगी कैसी गुजरेगी वगैरह वगैरह। हर बात की जस्टिफिकेशन है तुम्हारे पास। अच्छा हाथ दिखाओ ना प्लीज। अरे ये क्या, तुम्हारे हाथ में तो शादी की लकीर ही नहीं है। अब हमारा क्या होगा? मेरी नहीं है इसका तो मैं कुछ कर लूंगी। तुम बताओ तुम्हारे हाथ में लकीर है कि नहीं? मेरे हाथ में तो है, इसी बात की तो कंफ्यूजन है। मेरे है तुम्हारे नहीं है। डोंट यू वरी। और तुम अपनी लकीरों को पिटते रह जाओगे। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ, because you're a very practical person. I mean, तुम अपने हालात के मुताबिक अपनी पढ़ाई जिस तरह से कर रहे हो, साथ साथ जॉब कर रहे हो, that's just so practical. And एक बात बताऊं? तुम्हारी यही बात सबसे अच्छी लगती है। I'm glad.